फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, एक आपकी गट फीलिंग है, एक आपका इंट्यूशन है, एक आपकी सिक्स सेंस आपको कहीं ना कहीं ये फील करवाती है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, आपको बस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको अपनी नीड या अपनी ज़रूरत समझते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आता। लेकिन ये जो उनकी आपके लिए नीड की फीलिंग है, ज़रूरत की फीलिंग है, आपकी जो ख्वाहिश है, या आप उनका अगर सच्चा प्यार है, ये किस लेवल तक है, कम से कम हम ये तो भांप ही सकते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से किसी ज़रूरत से ही रिश्ता रखता है। अगर आप प्यार का नाम देते हैं तो प्यार भी अपने आप में एक ज़रूरत ही है। इमोशंस आर ऑल्सो अ नेसेसिटी। तो चलिए देखते हैं उनकी जो ज़रूरत है उसकी लेवल क्या है। वो आपको ज़रूरत इसलिए मानते हैं कि आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बस आप उनकी ज़रूरत ही हैं। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल वन पे है ये गोल्डन वॉच और पाइल टू पे है ये सिल्वर वॉच। पाइल वन गोल्डन वॉच एंड पाइल टू इज सिल्वर वॉच। जिस भी वॉच से, पाइल से आपको रेजोनेशन फील होता है, इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, आप उसे पाइल को सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से लगता है नहीं सिलेक्ट होती, दोनों रीडिंग्स देख लें। जिस रीडिंग की सिचुएशन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच होती हो उतना आप एक्सेप्ट कर लें, उसको अपनी पाइल मान लें। आपने तसल्ली से, आराम से, सोच समझ कर अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल वन गोल्डन वॉच के साथ। आप अपने पर्सन की ज़रूरत हैं, उनकी इच्छा या ख्वाहिश है, ऑब्सेशन है, या आप उनका सच्चा प्यार है, क्या है? कार्ड्स खुल चुके हैं, बहुत कुछ आप भी समझ रहे होंगे। लास्ट थ्री कार्ड्स थोड़ा आगे कर दूं तो आपको ध्यान से आप देख सके कार्ड्स को। फायर साइन का एलिमेंट है, अर्थ साइन का एलिमेंट है, अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रांग है, एयर साइन का एलिमेंट है, वाटर साइन का भी एलिमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है अर्थ साइन। तो अगर आप अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रिजोनेट होगी, बाकी भी 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। आइए क्विकली लेट्स कास्ट ग्लैंस ऑन द कार्ड्स। आपको ये ज़रूर महसूस होता है, आपकी गट फीलिंग आपको कहती है कि आपके पर्सन आपको सिर्फ यूं ही बस आपसे अटैच्ड है, आप उनकी बहुत स्ट्रांग नीड हो। तो इस केस में तो आप उनकी नीड भी हो, ज़रूरत भी हो, आप उनका ऑब्सेशन भी हो। सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं, उनको आपकी ज़रूरत सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए ज़्यादा है। आपके लिए पजेसिव हैं, लेकिन इस हिसाब से नहीं कि आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वैसे तो वो और ऑप्शंस भी कंसीडर करते हैं, और ये आपने भी नोट किया, आपके सामने फ्लर्ट कर लेना, आपके सामने दूसरे जेंडर के साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली होना, ओवरटली फ्रेंडली होना, इनको हेजिटेशन नहीं फील होता।
आप ये चीज़ के बात के बारे में बहुत बार सोचते हैं, इसकी जो एक प्रेशर है ये सिचुएशन की, क्योंकि आपके पर्सन जब आपके सामने ये सब करते हैं, आपसे जब ऑब्सेस्ड रहते हैं, बस आपके लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, आपकी दूसरे किसी अचीवमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते कि तुमने लाइफ में ये किया, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ मुझे अच्छी लगती है, आपको ये फील होता है ऐसी कोई बात में वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। हर वक्त आपके लुक्स, आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स, आपका फिगर, इन्हीं चीज़ों पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि आपके पर्सन की आप ना ही सिर्फ ज़रूरत, और ज़रूरत कैसे, पैसे से भी, मतलब आपने ये भी नोटिस किया होगा जब भी आप लोग कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वैसे तो आपके साथ वो जाना अवॉइड ही करते होंगे, लेकिन जब कभी आप दोनों जाते हैं तो आपने ये ज़रूर नोट किया है कि आपसे ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो करवाते हैं, खुद लीड नहीं लेते, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, खुद आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश नहीं करते, सब कुछ वो आपसे ही करवाते हैं, खुद से कोई लीड लेना पसंद नहीं करते। आपके ऊपर ये एक तरह का हैंग हो रहे हैं, दे आर हंग ओवर यू, दे आर हैंगिंग ओवर यू, मतलब आपको ये लगता है कि जैसे आप एक बोझ ढोते जा रहे हैं, आप ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहे, आपको लगता है आप कोई बोझ को उठा के घूम रहे हैं। इस तरह से आप कई बार सोच चुके हैं, अकेले में आप रोते भी होंगे, छटपटाते होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से तो शायद आप 100% दे रहे हैं रिलेशन को, पर ये इंसान उतना नहीं दे रहे रिलेशनशिप को। जैसे कि मैंने कहा, आपके सामने दूसरे ऑप्शंस को कंसीडर करने में उनको गिल्ट भी नहीं फील होता, उनको कोई शर्म नहीं आती, जबकि आप अकेले में अंधेरों में रोते हैं, इतना सोचते हैं, पर आप चाहके भी डिटैच नहीं हो पा रहे, क्योंकि शायद आपकी तरफ से प्यार 100% है। तो एक बात तो तय है कि ये इंसान आपको चिपके तो रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप की कोई जिम्मेदारी सीरियसली उठाने के लिए ये तैयार नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा फैक्ट है ये, कि अगर आप इनके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ भी जाते हैं, मैरिज भी कर लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब तो ये बात नहीं लागू होती, लेकिन अगर आप दोनों मैरिज भी कर लेंगे ना, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ही रहने वाली है, ये बात से आप बिल्कुल क्लियर हो। जितना भी रिलेशनशिप की जो भी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, कुछ भी है, वो सब आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर निभाना पड़ेगा, इनके हिस्से में कुछ ज़्यादा आने नहीं वाला, क्योंकि ये लेने ही नहीं वाले। आपके सामने किसी भी तरह से बिहेव करके इनको कुछ भी हेजिटेशन फील नहीं होता, तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे भी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रिलेशनशिप का पूरा बर्डन आपको ही ढोकर चलना पड़ेगा, आपको ही उठाकर चलना पड़ेगा, ये आपको बस यूज़ ही करते रहेंगे, आपकी आपको एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, आपसे अटैच्ड रहेंगे, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। अब तक उन्होंने इतना तो समझ लिया कि आपके जितना कोई उनके लिए करने वाला नहीं है, दूसरे लोग उनको बहुत क्लियरली निकम्मा इंसान समझते हैं, उनको इस बात की कोई गिल्ट या शर्म नहीं आती है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक कि उनके उनका जो मतलब है वो पूरा होता रहे। तो ये आपसे बिल्कुल सेल्फिश रीजन से अटैच्ड है ये पर्सन, क्योंकि कोई भी कार्ड अच्छा नहीं आया है इनका, तो ये आपसे अटैच्ड हैं, आप पे डिपेंड भी करते हैं, खुद कोई लीड नहीं लेते, खुद कोई कभी भी एक सामने चलकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते रिलेशनशिप की, सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, और आप पे झूठा झूठा गुस्सा करके हर वक्त आपको एक प्रेशर में रखते हैं कि आपको ही सब करना है, और आप ये सब जानते बूझते कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपनी तरफ से हेल्पलेस हैं। अगर आप डिटैच हो सकते इस रिलेशन से, ज़रूर हो जाइए, यही मेरी आपको एडवाइस रहेगी, और अगर आप नहीं हो सकते तो ये बात को तय करके आगे बढ़िए, ये इंसान पूरी लाइफ ऐसे ही आपके साथ बिताएंगे, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, इनकी तरफ से कोई उम्मीद मत रखिए कि ये कोई रिलेशनशिप की जिम्मेदारी उठाने वाले, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपकी अब लोगों से जो डीलिंग होगी, सब कुछ आपको ही देखना है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये बस आपके, जैसे वो एक पिशाच लटक जाता है ना विक्रम और बेताल में, जैसे राजा विक्रम पे वो बेताल कैसे लटक के रहता है, ये ऐसे आपकी जिंदगी भर इस तरह आपके पीछे हैंग होकर ही बैठेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यही रियलिटी है आपके कार्ड्स की। तो पाइल वन आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट, अब हम लेंगे पाइल टू। तो अब टर्न है पाइल टू सिल्वर वॉच जिन्होंने सिलेक्ट की थी आपकी रीडिंग, आइए देखते हैं आपके पर्सन के लिए आप क्या मायने रखते हैं।
जोडियक्स की अगर बात करते हैं तो पहले उनको उसको डिस्कस कर लेंगे हम। वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन भी है, लेकिन इसमें भी अर्थ साइन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए एनालाइज करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके पर्सन आपको सिर्फ एक नीड की तरह, एक ख्वाहिश की तरह ट्रीट करते हैं? आपको ऐसा फील हुआ क्योंकि आपने ये नोटिस किया औरों के साथ वो जो शेयर करते हैं उतना ही आपके साथ भी शेयर किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा बातें जानते हैं? जो दूसरे जानते हैं उतना ही आप जानते हैं, इसका मतलब वो आपसे ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे आपने नोटिस किया कि वो ज़्यादा आपके पोस्ट पे एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करते, लाइक करना या कुछ भी कमेंट करना उस पर, ऐसा आपको लगता है कि वो नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद किसी के लिए भी ऐसा ज़्यादातर नहीं करते होंगे, वो बेसिक उनकी नेचर होगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, थोड़े इंट्रोवर्ट लगते हैं मुझे, थोड़े मतलब ऐसे आउटगोइंग नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट से हैं, तो इसलिए शायद ये सिचुएशन आपको लगती है कि वो आपके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादातर वो हर किसी के साथ ही ऐसे हैं, इसलिए वो आपके साथ उतना ही शेयर करते हैं जितना औरों के साथ। या तो आपको उन पर अभी टोटली ट्रस्ट नहीं है, या उनको आप पर टोटली अभी तक ट्रस्ट नहीं हुआ है कि आपको कुछ ज़्यादा बताएं। शायद वो डरते हैं कि उनके ज़्यादा कुछ बताने से कहीं रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसका मतलब आप शायद ये ले रहे हैं कि वो आपसे कुछ छिपाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो वेट कर रहे हैं सही टाइम की, कि जब एक साइकिल आपके रिलेशनशिप की मैच्योर हो जाए, जब आप दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ लें, तब वो काफ़ी कुछ आपसे शेयर करेंगे। ये मुझे इंडिकेशन फील हो रहा है कार्ड से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कार्ड्स काफ़ी आए हैं आप लोगों की रीडिंग में, तो मुझे ये लगता है कि आपको जो लगता है वो सही लगता है। लेकिन उसकी वजह यह है कि वो सबके साथ ही ऐसे हैं, वो सिर्फ आपके साथ ही ऐसे नहीं हैं। अगर आप गौर से उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके नेचर को, तब आपको फील होगा। ज़्यादा टाइम वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही कामों को, अपने ही रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अभी आप दोनों का रिलेशन उस लेवल की मैच्योरिटी पे नहीं आया है दोनों तरफ से, इसलिए आपको उनमें ये चीज़ें फील होती हैं। सन का कार्ड है, होप तो है आप लोगों के रिलेशन में, होप है। एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ये आपका रिलेशन आगे जाके डेवलप होगा, फ्लरिश होगा। इसमें जो आपको अभी नेगेटिविटीज़ फील होती हैं, धीरे धीरे वो चली जाएंगी। अभी आपको उनकी हरकतों से ऐसा बहुत कुछ लगता है कि वो आपसे थोड़े डिटैच्ड हैं, या आप में किसी भी तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन हाँ, आपसे फिर भी जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है, कम बोलना, कम शेयर करना, वो सबके साथ ही ऐसे हैं। लेकिन आपके साथ ओपन होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन वो वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की मैच्योरिटी आने की। जिस दिन उनको ये फील हो जाएगा ये रिलेशनशिप उस लेवल पर गया है जहाँ आपको कुछ भी बोलकर उनको ना हेजिटेशन होगा, ना आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तब वो ज़रूर आपसे बहुत कुछ शेयर करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी ये ट्रेडिशनल माइंडेड है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बहुत ज़्यादा ओपन आप नहीं होते, लेकिन सब कुछ सही होगा, ऐसी होप है आपके रिलेशनशिप में। आपको जो कुछ लगता है उसको आप, क्योंकि लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप में, इसलिए आप उसको नेगेटिवली ले रहे हैं थोड़ा, लेकिन मत लीजिए, उनका नेचर ही थोड़ा ऐसा है। तो जैसे जैसे रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लेवल आएगा, आपको जो लगता है ये अपने अपने आप में ही मगन है, आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, वो कुछ सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, शायद अभी आपको वो ओपन अप नहीं हो रहे, वेट कर रहे हैं सही वक्त की, जब वो ओपन होंगे आपको इतना कुछ बताएंगे जो आप शायद उनके बारे में अब तक नहीं जानते थे। लेकिन तब जब उनको लगेगा आप ये सब सुनकर हर्ट नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे उनको, तब वो ज़रूर आपके सामने ये सब बातें करेंगे। जो भी बातें अब तक आपसे शेयर नहीं की हैं वो ज़रूर करेंगे। जो बातें आप उनके बारे में नहीं जानते, आपको लगता है, आपको शायद शक है, वो सब बातें वो खुलकर आपसे ओपनली करेंगे। वो पूरी पूरी होप है आपके रिलेशनशिप में। तो ये रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कहूँगी कि लेवल पे प्यार, सच्चे प्यार की एक क्लाइमेक्स की लेवल पर गया है, अभी देर है, अभी देर है।
अभी ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा चल रहा है, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसमें ना ज़रूरत है, ना ख्वाहिश है, ना प्यार है, सच्चा प्यार है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन प्यार ने अभी तक अपने आप को समझा नहीं, आप दोनों की तरफ से आप दोनों का प्यार अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, आगे फ्यूचर में होगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, ये रही पाइल टू की रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी और क्या क्या रिजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसी से हमारी जब डिस्कशन होगी, कई बार हम नहीं समझ पाते अपनी पाइल को, तो इस तरह से हमको फील होता है ये रिजोनेट नहीं हुआ, एक्चुअली वो रिजोनेट नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आप उस सिचुएशन में अभी तक पहुँचे नहीं हैं रिलेशनशिप की। ऑल द बेस्ट टू यू, आपका रिलेशन दोनों ही पाइल्स के लिए मैं प्रे करूँगी, आपका रिलेशन आपको खुशी ही दे अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।